वेरी गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड. नाउ कंटिन्यू अवर चैप्टर नंबर 5 अ लिटिल फिश स्टोरी. चैप्टर नंबर 5 पर हमने अपना अ लिटिल फिश स्टोरी. लिटिल फिश की स्टोरी है वो छोटी सी एक मछली जिसके बारे में अपन ने कल पढ़ा था. तो आज हम इसके क्या डिस्कस करेंगे, इसके एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करेंगे. चैप्टर को हमने अच्छे से रीड कर लिया था, इसके हार्ड वर्क डिस्कस कर लिए थे. आज हम टुडे वी विल डिस्कस एमसीक्यूज क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 5. ओके बच्चों, एमसीक्यूज क्वेश्चन इज फर्स्ट एमसीक्यूज राइट डाउन करेंगे हम. फर्स्ट एमसीक्यूज इज द लिटिल फिश वॉज. The little fish was unhappy unhappy happy and she is content. Unhappy happy content. कंटेंट मीन्स मैंने आपको बताया था क्या होता है. कंटेंट मीन्स होता है संतोषजनक. जो द लिटिल फिश वॉज क्या थी, वो अनहैप्पी थी. क्या थी वो? अनहैप्पी थी, मतलब वो जो छोटी थी ना तो वो उससे खुश नहीं थी. यानी खुश नहीं को अपन क्या बोलेंगे? अनहैप्पी बोलेंगे. क्या बोलते हैं अपन? अनहैप्पी. द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी. ओके, सेकेंड इज द लिटिल fish wished to become first is larger b is fatter and C is taller. The little fish wished to become. जो little fish थी उसकी क्या इच्छा थी, क्या बनना चाहती थी? वो larger यानी बड़ी बनना चाहती थी. क्या बननी चाहती थी? Larger यानी लंबी बनना चाहती थी वो बहुत ज्यादा. ठीक है, तो उसकी विशेष थी क्या थी? Larger. Our right answer is A. The third is the smaller. The smaller fish slipped slipped back into the cool clear water. Clear water. B is boat and C is net. The smaller fish slipped back into the. जो smaller fish थी वो जब वो net के जाल में से जब वो उनको boat में रखा गया तो वो slip होके कहाँ गिर गई थी? एक cool clear water में गिर गई थी. कहाँ गिर गई थी वो? एक cool clear water में, मतलब साफ पानी में वो गिर गई थी. कौन गिर गई थी? जो फिश थी वो साफ पानी में क्या हो गई थी? गिर गई थी. नेक्स्ट इज देयर आर अ ग्रेट मैनी फिश इन द ऑप्शन है हमारे पास 100,
इज मिलियन। यस फोर्थ नंबर है देयर आर अ ग्रेट मैनी डैश फिश इन द सी। कितनी फिशेस थी वो सी में यानी समुद्र में? मिलियन। कितनी फिशेस थी? मिलियन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? मिलियन। राइट आंसर इज सी। तो कितनी फिशेस हो गई? मिलियन फिशेस किसके अंदर थी? पानी के अंदर थी। अगेन देखते हैं कौन सी क्यूज। द लिटिल फिश वॉज अनहैप्पी। लिटिल फिश क्या थी? बहुत ज्यादा ना खुश अनहैप्पी थी। द लिटिल फिश विश टू बिकम लार्जर। वो क्या बनना चाहती थी? बड़ी बनना चाहती थी बहुत। द स्मॉलर फिश स्लिप बैक इन टू द कूल क्लियर वॉटर। वो किसमें जा गिरी? एक कूल क्लियर वॉटर में जा गिरी, मतलब साफ पानी में। देयर आर अ ग्रेट मैनी डैश फिश इन द सी। कितनी फिशेस थी? मिलियन। कितनी फिशेस थी वहां पर? मिलियन। नाउ कंप्लीट योर एमसीक्यूज क्वेश्चन। डू दिस वर्क इन योर इंग्लिश रीडर नोटबुक। ओके बच्चों, आपको अपनी नोटबुक स्कूल में भी सबमिट करवानी है। आपको डेट डिसाइड है मंडे ट्यूजडे। आपको आपके व्हाट्सएप पे डिसाइडेड है मंडे है कि ट्यूजडे है, तो आपको अपने डे के अकॉर्डिंग स्कूल में नोटबुक सबमिट करवानी है। नीट एंड क्लीन आपको वर्क करना है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, बाय बाय।